हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बुलेन बेयर। मैं किशोर, आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करेंगे आज ONGC कोल इंडिया और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में, और जानने की कोशिश करेंगे कि इस हफ्ते के जो बचे हुए ट्रेडिंग सेशन है, यानी कि 15 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक, इन कंपनीज के शेयर प्राइस में आपको किस तरीके की प्राइस मूवमेंट देखने को मिल सकती है। आज की बात करें तो मतलब 14 दिसंबर की बात करें तो इन कंपनीज में अच्छी तेजी देखने को मिली है। ONGC आज 4.63% तेजी के साथ में क्लोज हुआ, कोल इंडिया भी 3.69% तेजी के साथ में क्लोज हुआ, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भी 2.50% तेजी के साथ में क्लोज हुआ। तो दोस्तों, इन कंपनीज का चार्ट एनालिसिस करें, इससे पहले मार्केट का एक्शन देखते हैं। तो दोस्तों, मार्केट में आज काफी उठापटक रही और आखिर में मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुए। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 0.33% तेजी के साथ में क्लोज हुआ है 13,558 पे। BSE की बात करें तो 0.34% तेजी के साथ में 46,253 के ऊपर में क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी भी आज तेज रहा है, 0.46% 30,745 के आसपास में क्लोज हुआ है, और IT निफ्टी में भी 0.36% की तेजी रही, 22,746 के आसपास में क्लोज हुआ है। बात करेंगे आज के टॉप 5 गेनर की, तो ONGC यहाँ पे पहले नंबर पे है, 4.86% की तेजी रही, 101.50 रुपये के ऊपर में क्लोज हुआ है। लार्सन में भी आज 4.63% की तेजी रही, 1,249 के ऊपर में क्लोज हुआ है। सिप्ला में भी आज 4.43% की तेजी रही, 789 के ऊपर में ये क्लोज हुआ है। कोल इंडिया भी आज 3.69% तेज रहा है, 143.35 रुपये के ऊपर में क्लोज हुआ है, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भी 2.50% तेजी के साथ में 96.20 रुपये के ऊपर में क्लोज हुआ है। तो ये थे आज के टॉप 5 गेनर। टॉप 5 लूजर की बात करें तो आइसर मोटर यहाँ पे पहले नंबर पे है, 2.85% की गिरावट रही। हीरो मोटोकॉर्प में भी 2.25% की गिरावट रही। महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी 2.18% की गिरावट रही। HDFC लाइफ में भी 1.32% की गिरावट रही, और विप्रो में भी 1.17% की गिरावट रही। तो दोस्तों, ये था आज का मार्केट एक्शन। वापस आ जाते हैं आज के डिस्कशन पर। सबसे पहले बात करते हैं ONGC की। तो ONGC में आज अच्छी तेजी रही, बीते फ्राइडे को भी ONGC में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। स्टॉक अपने शुरुआती 2 घंटों में 92 रुपये से लेकर 104 के ऊपर भी पहुंच गया था। हालांकि बाद में इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली थी, और ONGC आखिर में 96.80 रुपये के ऊपर में क्लोज हुआ था। और आज स्टॉक ने यहीं से ऊपर चलना शुरू किया, स्टॉक में दिन भर तेजी रही और आखिर में 101.55 रुपये के ऊपर में क्लोज हुआ है। सबसे खास बात इसमें यह रही कि ONGC आज अपने प्राइस के आसपास में क्लोज हुआ है, और कल भी इसमें तेजी के आसार नजर आते हैं। चार्ट पर आप देख सकते हैं 92 का लेवल ब्रेकआउट होते ही स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। 8 जून और 9 जून को ONGC ने 92 रुपये के लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी, लेकिन ये यहाँ पे कामयाब नहीं हो पाया था। यहाँ से इसमें लगातार गिरावट देखी गई। 2 नवंबर आते आते स्टॉक 64 रुपये तक पहुंच गया, लेकिन यहाँ से इसमें अपसाइड में धीमी शुरुआत देखने को मिली, और 7 दिसंबर को इसने फिर से 92 के लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी, लेकिन लगातार 4 ट्रेडिंग सेशन ONGC 92 रुपये के लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था। लेकिन बीते फ्राइडे को ONGC में गैप अप ओपनिंग हुई थी, इसमें 92 रुपये से ऊपर ओपनिंग हुई थी, और स्टॉक ने 104 रुपये तक के लेवल को भी टच कर दिया था। आज की बात करें तो आज भी स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। अब बात करते हैं ONGC में जो ये तेजी देखी जा रही है, ये कहां तक सस्टेन कर पाती है, या कौन से लेवल हो सकते हैं जहां पे ONGC को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, यहां से अब ONGC का जो नेक्स्ट लेवल है 110 के आसपास का है, और इस लेवल पे हल्की फुल्की दिक्कतों का सामना इसे करना पड़ सकता है। ONGC में अगर 110 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो फिर 119 के आसपास में स्टॉक को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है, और अगर 119-120 का लेवल क्रॉस होता है तो फिर 130 के आसपास में ONGC का मेजर रेजिस्टेंस नजर आता है। सपोर्ट की बात करें तो 92 का लेवल जो अभी तक इसका रेजिस्टेंस का जोन था, यही अब इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, और अगर ये लेवल ब्रेकडाउन होते हैं तो फिर 83 के आसपास में ONGC का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आता है। तो दोस्तों, इन लेवल्स को आप नोट कर सकते हैं, और इन लेवल्स को ध्यान पर रखकर आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले स्टॉक कोल इंडिया की। तो दोस्तों, कोल इंडिया भी लगभग ONGC की तरह कंडीशन बनती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। लास्ट फ्राइडे यानी कि 11 दिसंबर को कोल इंडिया में भी अच्छी तेजी रही, और आज भी कोल इंडिया में 3.75% की तेजी रही। यहाँ पर भी स्टॉक अपने हाई प्राइस के आसपास में बंद हुआ है, तो यहाँ पे भी बुलिश मारुगोजु कैंडल देखने को मिली है, और कल भी कोल इंडिया में तेजी के आसार नजर आते हैं। स्टॉक अभी अपने रेजिस्टेंस जोन के ठीक आसपास ट्रेड कर रहा है। 143 का लेवल कोल इंडिया का रेजिस्टेंस जोन है। 25 और 27 अगस्त को भी कोल इंडिया में 143 के लेवल देखे गए थे, और इन्हीं लेवल से यहां से गिरावट आनी शुरू हुई थी, और स्टॉक 110 तक फिसल गया था। 14, 15 और 16 अक्टूबर को स्टॉक इन लेवल्स पे सपोर्ट लेकर वापस 143 तक आ गया है, लेकिन अभी भी 152 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक स्टॉक 152 को ब्रेकआउट नहीं कर लेता है, तब तक इसमें कुछ भी कह पाना मुश्किल है। अब बात करते हैं कोल इंडिया के पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में जो ये तेजी बनी
बनी हुई है ये कहाँ तक सस्टेन कर पाती है, तो 152 तक स्टॉक आराम से पहुंच सकता है। 152 के लेवल पे स्टॉक को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है, और अगर 152 का लेवल अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 170 का होगा, यानी कि 170 के आसपास में इसको दूसरा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। बात करें इसके सपोर्ट की, अगर गिरावट आती है गिरावट की कंडीशन में 135 का लेवल इसके लिए पहले सपोर्ट के तौर पर यहाँ पे देखा जा सकता है, और अगर 135 से भी अगर स्टॉक नीचे आता है तो फिर 128 के आसपास में इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आता है। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, इन लेवल को आप नोट कर सकते हैं और इसके आधार पर आप अपने आगे की रणनीति तैयार कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले स्टॉक IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भी अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास में ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 जून को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में 96 के आसपास से ही गिरावट आई थी, और इसके बाद फिर 27 और 28 जुलाई को भी इन लेवल्स पे स्टॉक में गिरावट देखी गई, और 24 सितंबर आते आते इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 72 रुपए से भी नीचे आ गया था। तो यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न भी देखने को मिला था, जिसे कि बुलिश आरामी कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। यहाँ से स्टॉक में लगातार तेजी बनी हुई है, तो देखने वाली बात यह है कि स्टॉक इन लेवल से ऊपर निकल पाता है या नहीं। तो IOC अगर इन लेवल्स को ब्रेक कर पाता है, इनके ऊपर अगर निकल पाता है, तो इसका जो अगला टारगेट होगा वो 107 और 108 का हो सकता है। 107 और 8 के आसपास में इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है, और अगर ये लेवल भी ब्रेकआउट होते हैं तो फिर 119 और 120 के आसपास में इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन हो सकता है, और यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। बात करेंगे अगर इसके सपोर्ट की, तो 90 का लेवल इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट का लेवल हो सकता है, और अगर ये लेवल ब्रेक डाउन होते हैं तो फिर 84 के आसपास में इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आता है। तो दोस्तों इन लेवल्स को ध्यान में रखकर आप स्टॉक में प्ले कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ में। तो उम्मीद करता हूं कि डेटा आपको पसंद आया होगा, डेटा आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिए। साथ ही अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो एंजल ब्रोकिंग में आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पे जाके आप आसानी से अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हमारे सपोर्ट ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम लेटेस्ट अपडेट के साथ में बाय सेल कॉल भी रिकमेंड करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।